नमस्कार जी, हम तैयार हैं विधानसभा के लिए और विधानसभा की तैयारियों के साथ। कैपिटल न्यूज आपको हर जगह पहुंचा रहा है, हर किसी से बातें कर रहा है कि आखिरकार जनता इस बार वोट का इस्तेमाल किस लिए करे और क्यों करे। और हमारे साथ हैं छतरपुर के पूर्व विधायक सह मंत्री रही सुधा चौधरी, और शायद कहीं ना कहीं पाटन छतरपुर की जनता उनसे बहुत सारी सवालों को, उनकी बातों को जरूर जानना चाहती है। और हम भी जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार जनता एक टर्म के बाद फिर आपको वोट क्यों दे। इस बार जनता मुझे इसलिए वोट देंगी कि हमने काफ़ी ईमानदारी से उनके बीच में रहने का काम किया है, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। और जो आज तक जो जिसने कभी भी नहीं जाना कि विधायक कोटा क्या होता है, सरकारी योजना क्या होती है, उन लोगों को हमने सिखाया कि सरकारी योजना क्या होती है, सरकारी कोटा आप कैसे करोगे। और काफ़ी ईमानदारी के साथ हमने एक रुपया पीसी नहीं लिया। लोग इस बात को, मैं नहीं, खुद जनता कहेगी कि सुधा चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा है। और मैंने ऐसे लोगों के बीच में रहने का काम किया, उनका काम किया है जो आज़ादी के बाद तक उन्हें कभी भी सुख सुविधा नहीं मिला, वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रहे। तो हमने वैसे जगह पे पुल पुलिया देने का काम किया। आप, मैं उदाहरण देना चाहूँगी, कस्बा खार, बासावाल, रोल पाटन के हैं, बहुत सारे ऐसे, छतरपुर का ले लीजिए, जमुआ, हबर हुआ, आए दिन एक्सीडेंट होता था। आप सुरहर मुरहर, बड़की चहलथाम, छोटकी चहलथाम जो बगैया में पुल है, वो ऐसे मैं गिनाना चाहूँगी तो मैं दिन भर गिनाती रहूँगी अपनी योजना का। हमने सड़कों का चौड़ीकरण कराया PWD में परिवर्तित करके, जैसे पड़वा से पाटन, सगुना से बैरिया मोड़, किशनपुर से तरहसी, है ना, रोड का निर्माण कराया, ऐसे अनेकों रोड पुल पुलिया। सारे रोड का तो जो अभी लेखा जोखा पेश किया है वर्तमान विधायक ने, उन्होंने इस बात का तो जिक्र किया है अपने कुंभ में। देखिए, वर्तमान विधायक जो है ना, वो 5 साल टर्म के विधायक हैं और जनता अच्छी तरह से जानती है उनको। उनका नीब झूठ पे टिका हुआ है और उनको झूठ बोलने में तनिक भी उनका हिचकिचाहट नहीं होती है। वो बहुत सफाई के साथ झूठ को जनता के सामने पेश करते हैं। मेरे पास भी बुकलेट है और जनता पढ़ भी चुकी है उस बुकलेट को। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, जो काम वो नहीं कर पाए, मेरे काम का श्रेय लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। मगर जनता उनको अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये जब मन होता है घड़ियाली आंसू भी बहा लेते हैं, प्रेम की वाणी भी बोलते हैं लोगों के बीच में, ठगने छलने का काम करते हैं। तो मेरी योजना का जो उन्होंने जो लेखा जोखा पेश किया है, जनता उनकी बेवकूफ़ी पे हंस रही है कि जब जनता उनको मौका देती है काम करने का, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए। कौन पीसी लेता है, क्या लगता है? देखिए, पीसी के नाम पे कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं पीसी ले रही हूँ, मगर आज जो हमारे विधानसभा में जो योजनाएँ चल रही है, बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं कि जो शिलान्यास हो चुका है पर धरातल पे काम नहीं हुआ है ना। और विधायक लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ, कि हर काम में वो पार्टनर रहते हैं, जिसके वजह पे से धरातल पे काम नहीं उतर पा रहा है। आज पीसी की तो बात खुलेआम है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो मैं नहीं, जनता बताएगी कि क्या चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो धरातल पे काम दिखता। अभी चुनाव का आना और उस दौरान इन सब बातों को निकलना किस रूप में हम लोग देखें, क्योंकि पहले तो अगर पीसी लिया जाता इसका तो विरोध होना चाहिए था। देखिए, विरोध जनता की इतनी अगर क्षमता होती पब्लिक के कि हम किसी योजना को खुद ले आए अपने यहाँ और किए गए कार्यों का विरोध करें, हम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें इतनी चेतना नहीं है, वो जागरूक नहीं है, वो किसी से टकराना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी वाणी को बोल के अपने आप को सोचते हैं कि हम, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब लोग बोलेंगे तो एकता बनेगी, पर एकता नहीं है, बिखरे हुए लोग हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इसी वजह से लोग नहीं विरोध करते हैं। एक बड़ी समस्या है जलस्तर का छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में,
और कहा जाता है कि जो छतरपुर में लगातार माइंसों का होना, लगातार ब्लास्टिंग होना कहीं ना कहीं काफी नुकसान देता है। आपका क्या रहेगा कि विधायक बनने के बाद क्या आखिरकार होगा आपकी ओर से? देखिए, सही बात आपने कहा, ये छतरपुर विधानसभा के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। हमारा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसे ही लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, काफ़ी गरीबी है अगर सुदूर इलाके में चले जाएं तो, और ये माइंस का ना और भी जलस्तर को नीचे कर रहा है। किसान बेहाल हैं, आज कोई काम के सारा खेत सूखा पड़ा है ना, जल स्तर नीचे की ओर चला गया है। मगर 5 टर्म के जो हमारे आदरणीय राधा किशोर जी हैं, इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि खेती को कैसे मजबूत किया जाए, किसान को कैसे मजबूत किया जाए। तो इस बार मेरी कोशिश रहेगी, अगर मुझे जनता अपना स्नेह देती हैं, मुझे चुनाव में जिताती हैं, क्योंकि ये जनता को फैसला करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता अगर मेरे पक्ष में आती हैं, फैसला करती हैं, तो वास्तव में जो जीवन का आधार कृषि है उसे मजबूत करने के लिए, जल स्तर को बढ़ाने के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये इस पे मैं काम करूं। अंतिम सवाल कि जदयू का चुनाव चिन्ह बदल गया है, तीर से अब ट्रैक्टर हो गया है, उसके बाद काफ़ी से अभी कोई गठबंधन में नहीं है जदयू, किस रूप में देखते, गठबंधन का क्या हाल है, और एक चुनाव चिन्ह का बदलना और सुधा चौधरी का आना कितना आपके लिए लगता है कि हाँ ये मुश्किल रहेगा या चुनाव जोरदार रहे? देखिए, जो काम करने वाले लीडर होते हैं ना, उनके लिए निशान का बदलना, नया सिंबल आना, ये बहुत मायने नहीं रखता है। जो परिस्थितियाँ आई हैं, हमारा तीर नहीं बन के ट्रैक्टर छाप जो हमारा मिला है, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, इससे साफ जाहिर है इस बार कि जनता ये मन में बैठा चुकी है, और गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग ट्रैक्टर को जानते हैं। हर गांव के लोग जानते हैं कि ट्रैक्टर है, ये मेरे लिए शुभ संकेत है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, खास करके मेरे लिए शुभ संकेत है जो हमारा ये चुनाव चिन्ह मिला है। चूँकि बड़ा भेक था जो हमारा पहले जो निशान था उसमें, तो ये बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो मैं अपने ऊपर निर्भर करती हूँ, मैं जनता पे भरोसा करती हूँ, और जनता ही वो शक्ति है कि चाहे गठबंधन हो या निर्दलीय हो या स्वतंत्र हो, उसको जिताने में कामयाबी दिला सकती है किसी भी प्रत्याशी को। तो मुझे जनता पे पूर्ण भरोसा है, और जनता मेरे कार्य को देख के अवश्य इस बार जनता मेरे साथ आएगी, उनका स्नेह मुझे मिलेगा, उनका साथ मुझे मिलेगा, काम करने का मौका मुझे अवश्य जनता देगी। काम करने का अवश्य जनता मौका देगी, वजह साफ है, जो ईमानदार प्रयास सुधा चौधरी का कहना है कि मैंने किया है अपने कार्यकाल के दौरान, वो उसका रंग अभी आएगा, और दूसरा कहीं ना कहीं ट्रैक्टर का जो निशान है उस ट्रैक्टर पर सवार होकर किस हद तक किसानों को के उत्थान का जो मनसा सुधा चौधरी ने पाला है उसे जदयू के बहाने पूरा करने में कामयाब होगी, देखना दिलचस्प होगा, और इंतजार भी रहेगा, हमारी निगाह भी रहेगी।